नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी भोपाल में एक महिला पत्रकार अपने शहर को बचाने के लिए मिसरौद एरिया में अमन स्वीट भंडार के मालिक जुगल किशोर यादव को दुकान बंद करने का बोलती है। महिला पत्रकार का कहना था कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है और आपने अपनी दुकान खोल रखी है, आप दुकान बंद करो और अपने मध्य प्रदेश के मुखिया के साथ कोरोना महामारी से लड़कर हम सब ये जंग जीत सकेंगे। तभी जुगल किशोर महिला पत्रकार की बात से भड़क गया और बोला कि मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप अपना काम करो। यहाँ जुगल किशोर ये भी भूल गया कि मध्य प्रदेश के मुखिया बेटियों को अपनी भांजी कहते हैं। उसी राजधानी में जुगल किशोर और मिसरौद TI महिला को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कह रहे हैं। जुगल किशोर TI साहब के कारण ये भी भूल गए कि लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, ना कि TI साहब ने। इसके बाद आवेश में आकर जुगल किशोर बोला कि कोई कोरोना नहीं है, सब मजाक है, हमको अपनी दुकान चलाने दो, मैं किसी से नहीं डरता। तभी महिला पत्रकार डायल 100 को सूचना देती है, मिसरौद में अमन स्वीट और अन्य दुकानें खुली हैं, आप यहां आके देखिए। वहां डायल 100 पहुंची तो जुगल किशोर के आगे डायल 100 भी बोनी पड़ गई और डायल 100 में तैनात ऑफिसर बोला, मैडम आप थाना प्रभारी महोदय से बात करें। महिला पत्रकार मिसरौद थाना प्रभारी से बात करती है तो उनको कहा जाता है कि आप दुकानदारों को परेशान क्यों कर रही हैं, जबकि टीहा साहब ये भूल गए कि मध्य प्रदेश के मुखिया ने ही शनिवार रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। महिला पत्रकार का कहना है कि मैंने मिसरौद थाना प्रभारी को ये बताया था कि रविवार को दुकान खोलकर बैठे हैं, ऐसे इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला पत्रकार ने मिसरौद थाना प्रभारी से कहा कि ये सब मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मिसरौद एरिया में मुख्यमंत्री का आदेश चलता है या टीआर साहब के सपोर्टरों की दुकान है, अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कृत्य करने वाले दुकानदारों पर क्या कार्रवाई करेगी और मिसरौद TI के संरक्षण से मिसरौद एरिया को भी हॉटस्पॉट बना देगी। परमिशन है आपके पास? दुकान काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? माल वगैरह पर तो आज तो फुल लॉकडाउन है ना, सबको किसी भी तरीके से नहीं खोलना। बंद करें तो आप ग्राहक हैं जी, काम चल रहा है। नहीं, ग्राहक आएंगे वो तो खुली दिखेगी दुकान तो। ये गैस का भी खुली हुआ है। तो आज साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? चलता रहना है। ये देखो कस्टमर आ रहे हैं, सामान खरीद आ रहा है, सामान को तो भाई खोल के क्यों बैठे? हमारा मतलब तो यही है ना, बताओ। या किसी भी ये आ गए कस्टमर, मिलने वाले मारे वाले तो ऐसे ही तो भीड़ जमा होती है ना। आपने मास्क भी नहीं पहने, आप लोग मास्क नहीं पहने, आप लोगों के मास्क कहाँ हैं? जेब में रखने के होते हैं। वैक्सीन लग रही है, करवा ले रहा हूँ। मतलब छोटे लोग जो बेचारे ठेले वाले हैं वो सब बंद करके बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े मार्केट में बड़ी बड़ी दुकान लेके आप लोग। अरे मेरे सुबह आई थी, मैं सुबह भी ओपन थी दुकान, मेरे पास वीडियो आई है दुकानों के, तीन दुकान खुली है, सामने वाला एक, ये आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। तो अभी थाने जब बुला, छोटे छोटे ठेले वाले हैं वो तक कानून मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरा कहना ये है बस, क्यों भैया यहाँ लॉकडाउन नहीं है क्या? परमिशन है क्या? ये भी तो आप खड़े हो। परमिशन है दिखाइए क्या? परमिशन है ओपन करने की? सुबह का टाइम दिया है ना, 6 से 9 तक का टाइम, क्या हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है?
कितना टाइम हो रहा है? अभी नहीं, पब्लिक में काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ। सबकी है रिकॉर्डिंग में, सबकी वीडियो बन रही। चलो टाइम क्या दिया है भाई, सुबह 9 का दिया है ना। जब सभी स्थिति में गुजर रहे हैं तो आप क्यों भाई?